हाय गाइस, वेलकम टू वीएम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज जो है वो फंडे है, और फंडे क्यों है वो आपको मैं अभी बताती हूँ। आपने टाइटल में भी देखा होगा, मैंने फंडे लिखा हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा मौसम है। लॉन को देखें, इतना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी लग रही है। ओ ये देखें गाइस, मैंने अभी देखा है कि बच्चों का जो बलून है, पीछे मैं नज़र आ रही हूँ, ये देखें बच्चों का जो बलून है वो छोटू हो गया है, और जो पहले वाला बलून था मूछड़ उनका बॉडीगार्ड, वो अभी ठीक है, लेकिन जो दूसरा स्माइली वाला वो जो है ना वो छोटा हो गया। ऑन करके आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। ये देखें लाइट्स निकल रही है ना, इतना खूबसूरत लग रहा है। ये मूछड़ जो है ना, मूछड़ के ऊपर अब लाइट्स लगा दूंगी मैं दोबारा से। मूछड़ का ऊपर वाला जो बलून है ना वो छोटा हो गया था, अंदर वाला ठीक है, और ये जो है ना दूसरा स्माइली वाला बॉडीगार्ड वो खुद छोटा हो गया और वो ठीक है। मैं अभी बाहर आई हूँ, ये देखें ये खाना खा रही हैं, और अभी हम जो हैं वो लॉन्ड को देखते हैं बाहर से। ये जो नीचे को हुआ हुआ ना, ये कैट्स कर देती हैं नीचे। अभी बच्चों से भी मिलते हैं और लॉन भी मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। ये देखें हमारा लॉन कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये हमारे बच्चे पारे पारे से। और अभी जो है ना इनकी मट्टी ऊपर को नहीं है, वो नीचे को ऐसे फ्लैट हो गई है। अभी जेबी को मैंने कहना है कि इसको जो है ना मट्टी को कहा था, शायद वो बिज़ी है, स्कूल जाता है, इसलिए कहूँगी कि ऊपर को कर दे ताकि जो है बच्चों का पता चल सके। यहाँ हमारे बच्चे हैं, और मुझे इस एरो के एरिया को देखकर कुछ याद आ गया। इस एरो के एरिया जो है, ये देखिए कितना लंबा है। ये बाबा जब थे उन्होंने लगवाया था, बाबा और मामा ने, और ये इतना ऊंचा हो गया, चेक करें आप। और मुझे एक और बात याद आई है, बाहुबली जो है ना वो एक दफ़ा यहाँ पे चढ़ गया, उससे नीचे ना उतरा जाए, हमने सीढ़ी लगाई, इतना सब कुछ किया, तब भी ना उतरे, डरे। फिर जो है वो भाई हैं, उनको हमने कहा कि भाई इसको उतारे, फिर उन्होंने उनके बाहुबली के टावल था उससे उतारा, और एक दफ़ा फिर से ये ऐसे ही ना बोल रहा था कि मुझे उतारो, पता नहीं कितनी देर हो गई थी, आधा घंटा तो हो ही गया होगा, तो इतनी देर हो गई थी। फिर ये हुआ कि ना मैं और जेपी ऊपर गए, ठीक है, ऊपर जाकर तो उसको जो है उतारने की कोशिश की, तब भी ना उतरे। फिर उसके बाद खैर उतर ही गया बड़ी ही मुशक्कतों के बाद। बस यही पल हैं जो कुछ याद आते रहते हैं, और वैसे तो वो हमेशा हमारे साथ हैं। ये देखें आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें कितनी खूबसूरत बेल लग रही है, ऊपर को जा रही है। ये यहाँ से हम जो है ना बाहुबली को जो है वो कह रहे थे आ जाओ, आ नहीं रहा था। फट्टा भी लगाया हमने, बड़ी कोशिश की, आ नहीं रहा था, बड़ी मुश्किलों के साथ आया था। और ये देखें ये कितनी खूबसूरत लग रही है, मुझे पता नहीं है ये कौन सी बेल है, क्योंकि आप लोगों को बताया, आप लोगों ने देखा भी है कि मामा को सारी नॉलेज है। अभी मामा को मैं कहूँगी कि ना खाद जो बनाती है ना, क्योंकि हम अपनी खाद बनाई हुई डालते हैं, मामा ही बनाती हैं और वो ही डालते हैं, तो मैं मामा को कहूँगी कि वो उसकी भी जो है ना सारा प्रोसीजर आप लोगों को बताएं, और मैसेज भी कीजिएगा कि आप लोगों ने देखनी है कि नहीं।
मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ बाजी ने क्या की है। ये मिल्क का डब्बा है और उसके अंदर उन्होंने जो है ना प्लांट को ग्रो किया है, देखें जी गाइस। तो अब मैं अंदर जा रही हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं अंदर जाके ब्रेकफास्ट करूँगी और आप लोगों को दिखाती हूँ फिर ब्रेकफास्ट क्या मैं कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मग्गू, जवाब देता है गुड मॉर्निंग। ये देखिए मैंने कहा था रेडी हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट। मैं ऑमलेट, ब्रेड एंड टी, ये चीज़ें ब्रेकफास्ट में खाती हूँ जब फंड। देखिए गाइस, जे भी जो है इंक्यूबेटर बना रहा है, जब रेडी होगा तब भी आपको दिखाएंगे। पता नहीं क्या क्या उसने लगाया हुआ है, इसको ओपन करके भी देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओह, फैन लगा हुआ है, बल्ब भी लगा हुआ है और भी कुछ पड़ा हुआ है। ये देखें, अभी जे भी जो है वो घर नहीं है, गया हुआ है, आएगा तो फिर जो है ना वो मैं उससे पूछ के बताऊंगी कि कब रेडी होगा और आप लोगों को फिर दिखाऊंगी। इंक्यूबेटर अगर किसी ने सीखना हो बनाना तो मैं उसको कहूँगी फुल व्लॉग बनाए।